भाइयों और बहनों, आस्था और पर्यटन पर सबसे बड़ा खतरा होता है आतंकवाद का। अभी हाल में हमने देखा है श्रीलंका में क्या हुआ। कुछ यही स्थिति 2014 से पहले भारत में भी थी। अयोध्या में, फैजाबाद में कैसे कैसे बम धमाके हुए, क्या हम इसे भूल सकते हैं क्या? वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब देश में आए दिन कहीं न कहीं आतंकी हमला होता था। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में इस तरह के धमाकों की खबर आनी बंद हो गई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आतंकी खत्म हो गए हैं। आतंकी फैक्ट्रियां तो हमारे पड़ोस में अभी भी चल रही है और वहां तो एक ही उद्योग है, आतंक को एक्सपोर्ट करना, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना। हमारे पड़ोस में यही कारोबार चलता है। ये आतंकी देश में एक कमजोर सरकार के इंतजार में है। ये मौके की ताक में बैठे हैं, इसलिए जैसे सड़कों पर लिखा रहता है, जब हम टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे जाते हैं ना, तो लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का खेल भी ऐसा ही है। सावधानी हटी नहीं कि मौत का बुलावा आया नहीं। साथियों, ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी महामिलावटी हो, ये आतंक पर नरमी का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां आतंक के मददगारों को पकड़ती थी और ये वोट के लिए उनको छोड़ देते थे। आज ये सभी महामिलावटी फिर से केंद्र में एक मजबूर सरकार बनाने की फिराक में है, लेकिन आपको पूरी तरह से चौकन्ना रहना है। भाइयों और बहनों, हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं। जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। गोली का जवाब गोले से देगा। और ये हम बोलते नहीं है, जवान की उंगली बोलती है।